मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे बिजनेस पसंद था। मुझे जॉब वगैरह करने का मन नहीं है क्योंकि बिजनेस मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि किसी के अंडर में काम करना मेरे को सही है। अच्छा, कितने का प्रॉफिट कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन का प्रॉफिट वही 1200-1500 तक में हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है। सेल कितने का होता है? सेल 4000। अच्छा, ये नॉर्मल डे में। फेस्टिवल में क्या, फेस्टिवल में क्या अर्न कर लेते हैं? फेस्टिवल में आप 8-10 हज़ार का सर सेल हो जाता है, प्रॉफिट 8-10 हज़ार का हो जाता है। जी सर। तो आज हम लोग बात करेंगे चाय के बिजनेस के बारे में। अभी हम लोग आए हुए हैं एमजी चाय दुकान, जो कि झरिया एरिया के पागा में आता है। ये बगल में पागा स्टेशन है। यहाँ का चाय काफी फेमस है, लोग यहाँ दूर दूर से चाय पीने आते हैं क्योंकि यहाँ का चाय बहुत टेस्टी होता है। और आज हम ऑनर से भी जानेंगे इस बिजनेस के बारे में। अगर आप भी सोच रहे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस, तो आपके लिए ये चाय दुकान का ऑप्शन काफी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम जानेंगे इस बिजनेस के बारे में अच्छे से। चाय दुकान एक ऐसा बिजनेस होता है जहां आपको मतलब लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि चाय ऐसा चीज है जो यंगस्टर भी पीते हैं और ओल्ड एज के लोग भी पीते हैं। और आपको अगर बोला जाए तो सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सारे टाइम चाय बिकता है। रात में भी लोग चाय के बाहर निकलते हैं घर से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम देखेंगे इसके आगे ये आप कैसे कर सकते हैं और कितने का लागत आता है। तो आइए अब हम थोड़ा सेटअप देख लेते हैं कैसा इसका सेटअप है। ये रूम लगभग 10 फीट बाई 6 फीट का होगा और कितने अच्छे से इसे डेकोरेट करके रखा गया है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये इन्होंने फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी दिया है, कस्टमर यहाँ बैठ के फोन भी यूज करते हैं और म्यूजिक सिस्टम भी है। तो आइए हम बिना देरी के चलते हैं ऑनर के पास। तो अभी हम इस दुकान के ऑनर से जानेंगे कि क्या सेटअप है, कितने का सेल हो जाता है, फेस्टिवल में क्या सेल होता है और क्या क्या सेल करते हैं। तो मनीष जी, आप बता सकते हैं ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? करीबन 1.5 साल से चला रहा हूँ सर ये दुकान। अच्छा, कितने का प्रॉफिट कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन का प्रॉफिट वही 1200-1500 तक में हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है। सेल कितने का होता है? सेल 4000। अच्छा, ये नॉर्मल डे में। फेस्टिवल में क्या अर्न कर लेते हैं? फेस्टिवल में आपका 8-10 हज़ार का सर सेल हो जाता है, प्रॉफिट 8-10 हज़ार का हो जाता है। जी सर, बहुत अच्छी बात है। और ये कब से कर रहे हैं आप? करीबन 1.5 साल से ना। और ये सेटअप आपका सेटअप कितने का है? ये सेटअप का सर कंफर्म पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे किए करीबन 20-30 हज़ार का सेटअप। अच्छा, ये मतलब 20-30 हज़ार कोई भी दुकान रन कर सकता है। जी सर। और क्या क्या बेचते हैं? सिगरेट, चाय और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं जी, ठीक है। और ये कोल्ड ड्रिंक में क्या प्रॉफिट है आपका? कोल्ड ड्रिंक में सर 20 रुपये, कोल्ड ड्रिंक में 20% का प्रॉफिट है। अच्छा, और ये माल कहाँ से उठाते हैं? माल सर कंपनी वाली खुद आके देके जाते हैं। अच्छा, सारा माल देने आता है। क्या क्या आपको यहाँ पे दुकान पे अवेलेबल हो जाता है सर? ऑल टाइप्स सिगरेट, गुटखा, ऑल टाइप सिगरेट्स है। तो मनीष जी, आपको ऐसा क्यों ख्याल आया कि मुझे इसी बिजनेस में आना चाहिए? क्योंकि मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे बिजनेस पसंद था। मुझे जॉब वगैरह करने का मन नहीं है, क्योंकि बिजनेस मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि किसी के अंडर में काम करना मेरे को सही है। इसलिए मेरा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरे को कुछ बिजनेस करना था और मेरे पास पैसा वगैरह कुछ कम था, इसलिए मैं ये दुकान खोलने का सोचा। और ये दुकान में आज के युग में चाय का जो क्रेज है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है मार्केट। ये देखिए, इसके दुकान में फ्रिज भी है, फ्रिज भी रखा है इसने।
मनीष जी, ये फ्रिज कितने का पड़ा था आपको? फ्रिज सर कंपनी की तरफ से 3,000 रुपए का ये फ्रिज मिलता है। अच्छा, ये 3,000 पे करना पड़ता है इसके लिए? फ्रिज मिल जाता है? एफडी मिलता है 3,000 रुपए का। अच्छा, तो देख रहे गाइस, आपको फ्रिज भी मिलने वाला है फ्री में, और दुकान का थोड़ा ओवरव्यू भी लेते हैं। यहाँ पे इसने आपको फ्री वाईफाई का भी सुविधा दिया है, ये देखिए फ्री वाईफाई है। और ये मनीष जी, ये क्या है, एलईडी है? ये LED टेलीविजन टीवी है। ये कहाँ से मिला आपको? ये मारुति कंपनी की तरफ से मिला, इसका चार्ज हम लोग को देते हैं मारुति कंपनी। अच्छा, हम लोग देते नहीं, हम लोग को देते हैं। देखिए ये टीवी पे अपना शो जो देख रहे होता मारुति कंपनी, देख रहे गाइस, आपको टीवी भी मिलेगा अगर आप उनके नजर में आ गए तो। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है। ये क्या है मनीष जी? ये खुद से कस्टमाइज करवाए थे धनबाद जाके सर। अच्छा, ये कितने का पड़ा? ये 1500 रुपए सर। अच्छा, ये 1500 में इतना खूबसूरत मिल जा रहा है आपको ब्रांडिंग ना जी। तो देख रहे गाइस, यहाँ का सेटअप काफी सस्ते में इसने अच्छा सेटअप किया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग इसका चाय टेस्ट करते हैं, देखते हैं चाय का क्वालिटी और टेस्ट। ना ना खा करके चलिए अंदर में बैठ के पीते हैं अच्छे से। चाय तो काफी अच्छा है, अगर आप भी चाय का आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये नियर में भागा स्टेशन है और झरिया मेन रोड में भी पड़ता है, ठीक है। आप भागा स्टेशन आ इधर बगल में आपको मिल जाएगा MG चाय दुकान, ठीक है। तो आप भी आ सकते हैं, आइए आप लोग जरूर।